नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आश्योर आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ इजी पीजी पास्ता, जो ना तो रेड सॉस पास्ता है और ना ही व्हाइट सॉस। तो ये पिंक बनता है या ऑरेंज बनता है, ये आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो चलिए आज की इस इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूँ पानी। साथ ही मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच नमक। तो जब तक ये पानी उबल रहा है, मैं लहसुन और प्याज को बारीक बारीक काट लेती हूँ और टमाटर को रफली चॉप करके ब्लेंडर में प्यूरी कर लेती हूँ। अब पैन में पानी उबल गया है तो इसमें डालेंगे पेने पास्ता, साथ में एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से पास्ता बाद में चिपकता नहीं है। और अब दूसरी साइड में एक पैन में डाल रही हूँ मक्खन। साथ में थोड़ा सा ऑयल ताकि मक्खन जले ना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। और अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा प्याज, इसे भी सॉटे कर लेंगे। ये हल्का हल्का सा पिंक होने लगा है तो अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। यहाँ एक बार पास्ता भी चेक कर लेते हैं, ये परफेक्टली अल दांते यानी कि 80-90% तक कुक हो गया है। तो अब इसे छान कर रख लेते हैं। अब यहाँ टमाटर में मैं डाल रही हूँ नमक, ओरिगनो, रेड चिली फ्लेक्स और कोई भी इटालियन सीजनिंग जो आपके पास हो। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और टमाटर का पानी सूखने तक इसे भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्न, जो मैंने कैन वाले लिए हैं। शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस। भाई इंडियन टेस्ट का पास्ता है तो टमाटो सॉस तो डेफिनेटली जाएगी। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ और क्रीम को डालते हुए लगातार चलाते रहें, मिक्स करते रहें ताकि क्रीम फटे ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर फ्लेम लो पर होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस, जो सबके पास घर में यूजुअली अवेलेबल होते ही हैं। अब डालेंगे नमक। तो चलिए सॉस तो हमारी तैयार हो गई, अब इसमें हम हमारा बॉइल्ड पास्ता भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस इस गर्मा गर्म ईजी बीजी पास्ता को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पास्ता सॉस में कितने अच्छे से डूब गया है। Yum. आई होप आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और इसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजेंगे। मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर रहे हैं ताकि आप डेली बिहाइंड द सीन देख सकें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास डेली वीडियोज की अपडेट आती रहे। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं।